तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए धेय आईएएस की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज वन पढ़ रहे थे। और जो टेस्ट सीरीज वन जो जीएस से संबंधित थी, फुल जीएस का क्वेश्चन था, और इस तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन थे जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बने थे, यानी जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं के बेस पर नए प्रश्न बनाए गए थे जिनकी आने की संभावना अधिक से अधिक थी। तो इस टेस्ट सीरीज़ वन में मेरे भाई हम लोग जो 100 क्वेश्चन देख लिए थे, और इसके बाद अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न बचे थे, खास करके यूपी स्पेशल और जीएस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो मैंने कहा था इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि एक नए वीडियो में एक नए सिरे से फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे, ये ज़्यादा क्लियर होंगे। तो चलिए हम लोग अपना टेस्ट सीरीज वन का बचा हुआ पार्ट पूरा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं हम लोग क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किस एक से ज़्यादा उत्सर्जित होता है। आप लोग एक शब्द पे यहाँ गौर किया होगा, इसमें लिखा है कि सर्वाधिक भाग किस एक से उत्सर्जित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मीथेन गैस का जो उत्सर्जन होता है समुद्र से भी होता है, आर्द्रभूमि से भी होता है, हाइड्रेट से भी होता है, धान के खेत से भी होता है। लेकिन जब कह दिया सर्वाधिक किससे होता है, तो आप लोग जान लीजिए सर्वाधिक आर्द्रभूमियों से होता है, वेटलैंड से। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर, लेकिन होता है सभी से, सर्वाधिक की बात आई तो आर्द्रभूमि। चले हम लोग 102 देखते हैं क्या है। देखिए एकदम ये बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन कई बार घुमा फिरा के बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तरह तरह के एग्ज़ाम में, RO ARO हो या UPPCS हो या अन्य तरह के एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक नहीं है, ये नहीं पर ध्यान जरूर दिया करिए। तो मेरे भाई आप ये जान लीजिए मूल मात्रक यहाँ पर ये जूल नहीं है। जूल यह कार का मात्रक होता है, और बाकी जितने हैं सब मूल मात्रक हैं। आपको पता होना चाहिए मूल मात्रक कुल 7 होते हैं, आप लोग को 9 में या 11 में पढ़ाया गया होगा। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है, और लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, और उसके बाद जो है आ जाता है विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और ताप का केल्विन होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और एक ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। तो ये 7 मूल मात्रक होते हैं, याद रखिएगा इसको। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग, ये उसका उत्तर जूल हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 103 में क्या कह रहा है मेरे भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न, कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण हम लोग को पता है पृथ्वी एक स्पेसिफिक बल से प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तो वो गुरुत्वीय त्वरण हम लोग उसी कहते हैं। एक साधारण शब्दों में मैंने आपको बता दिया। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है मेरे भाई, किसी वस्तु के आकार पर, रूपरेखा पर, या वस्तु के जो है द्रव्यमान पर, इन सब पर नहीं निर्भर करता है। तो आप लोग इतना मैंने आपको जो बता दिया, तो आप इसका प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से दे ले जाएंगे। क्या कह रहा है कि इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मैंने पहले ही बता दिया द्रव्यमान हो, वस्तु का रूप, आकार, इन सब पे गुरुत्वीय त्वरण डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। देखो कितने आसानी से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। हम लोगों को अगर नहीं पता होता तो हम लोग बेवकूफ़ बन जाते। बी वाला कह रहा है कि इसका मान वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। मैंने पहले बताया द्रव्यमान, आकार, रूप, इन सब पर नहीं करता है, तो ये भी गलत हो गया। सी क्या कह रहा है, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यस, देखो आ गया ना, यही सही है हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाएं हम लोग थोड़ा सा, 104 में देख लें क्या है मेरे भाई। बढ़िया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृत्रिम सोना है, जिसे हम लोग रोल्ड गोल्ड बोलते हैं, कृत्रिम सोना कौन सा है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी यही है, कॉपर और एल्युमिनियम, इसी को हम लोग कृत्रिम सोना कहते हैं। कॉपर की जो मात्रा होती है वो 90% होती है, और एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है वो 10% होती है। तो कई सारे लोग यहाँ पर ये कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या है, ये भी हो सकता है। नहीं मेरे भाई, ये जर्मन सिल्वर है, इसे हम लोग जर्मन सिल्वर बोलते हैं।
याद रखे रहिएगा आप लोग, ये जर्मन सिल्वर है और ये घंटी वगैरह बनाने में काम आता है। ये सब तो थोड़ा सा जानते रहिए, लेकिन रोल्ड गोल्ड याद है कापर प्लस एल्युमिनियम 90 और 10 के रेशियो में। तो चलें हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर 105 में क्या कह रहा है भाई। ये अब सही हो गया, हमारा सेट हो गया प्रश्न। क्या कह रहा है, तो दो ठोक कथन दिया है, कह रहा है दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। कथन और कारण को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, पढ़कर उसका सही उत्तर दे दीजिए दिए हुए विकल्पों में। तो मेरे भाई थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को फिर सेट करता हूँ, ये छोटा पड़ रहा है स्क्रीन। तो मैंने क्या कहा, आपको कथन को कारण को पढ़ लेना है, पढ़कर सही से उत्तर दे देना है सही उत्तर। तो आप पढ़िए पहले, पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल गलत। पारा धातु जो होती है वह लिक्विड फॉर्म में होती है, चांदी से अभिक्रिया रिएक्शन करके अमलगम बना लेती है, इसलिए इसे लोहे के धातु में रखा जाता है, आयरन के धातु में। तो ये तो गलत हो गया हमारा। कारण क्या कह रहा है, पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, यस, इसीलिए लोहे के बर्तन में रखा जाता है कि उसके साथ अमलगम न बनाए। तो ये सही है कारण, तो इसका मतलब हमारा ए गलत है आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 105वां का। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग बढ़ते हैं साथियों। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आपको इससे आपका कुछ जाएगा नहीं, इसके बदले हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन हिम्मत मिलेगा। क्योंकि जब आपका दिया हुआ आपका फीडबैक हमें मोटिवेशन जो देता है, उससे हमारा हिम्मत जुनून जोश क्षमता बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। तो देखें हम लोग अब हमारा कौन सा क्वेश्चन था अभी, ये 105 था, 106वां हम लोग देखते हैं क्या है मेरे भाई। 106वां हम कह रहा है काली खांसी, काली खांसी का जो रोग का प्रसार होता है वो किसके द्वारा होता है। तो मेरे काली खांसी रोग का जो प्रसार होता है वो हवा के द्वारा होता है। काली खांसी का एक टीका भी लगता है, तो टीका भी लगवाया जाता है, लेकिन अब पूछे हाँ इसका प्रसार किससे होता है, तो वो हवा के द्वारा होता है। इसमें एक HP नाम का एक जो होता है बैक्टीरिया होता है, क्या HP नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसे हीमोफिलस परटूसिस कहा जाता है। हीमोफिलस परटूसिस नाम याद रखिएगा, यही इसके जिम्मेदार होता है काली खांसी में। आगे हम लोग बढ़ें 107वें में देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य के लिए पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था। तो मेरे भाई पंचायत जो मित्र योजना का जो है प्रशासनिक लेखा कार्य के लिए उत्तर प्रदेश में, ये 2006 में हुआ था। यहाँ है ऑप्शन डी, 2006 में हुआ था, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो यही हुआ था यहाँ पर। आगे बढ़े हम लोग देखें 108वें में क्या है। देश में बचत को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से, क्या देश में बचत को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र, ये यूपी स्पेशल से है मेरे भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देश में बचत को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से सरकार किसान विकास पत्र को दोबारा कब शुरू की। इसका मतलब एक बार ये पहले शुरू हुआ था, बंद हो गया, फिर दोबारा कब शुरू हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। किसान विकास पत्र, ये किसानों को बचत करने का एक प्रोत्साहन था, 1988 में शुरू किया गया था ये, लेकिन फिर 2011 में इसे बंद कर दिया गया। कब, 2011 में, फिर जाके 2014 में दोबारा शुरू हुआ, तो इतना जानते रहिएगा। तो 2014 में ये दोबारा शुरू किया गया। आगे बढ़ जाएं हम लोग थोड़ा सा 109 में साथियों, देखते हैं 109 में क्या करा है। क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है। तो आप लोग एक कहावत सुने होंगे, नाम बड़े और दर्शन थोड़े, तो यही नाम तो बहुत है लेकिन दर्शन यहाँ ज़रा सा भी नहीं है। नाम में सिल्वर है लेकिन सिल्वर 0% होता है क्विक सिल्वर में। तो ऑप्शन बी इसका
उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें हम लोग 110 में, देखें यहाँ भी उसी तरह से है, नाम बड़े दर्शन थोड़े में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला ज़िला है, यानी ऐसा उत्तर प्रदेश का आपको एक ऐसा ज़िला बताना है जहाँ पर सबसे कम जनजाति संख्या है यानी ST हैं। तो आपको बता दूँ बागपत, लोगों को लगता है ये बाघ इसमें है, बाघ में जनजाति ज़्यादा रहती होंगी, तो जो लोग नहीं जानते होंगे अंदाजी ऐसे लगा लेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, बागपत में सबसे कम जनजाति है उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा, बागपत में जनजातियों की संख्या सबसे कम है। आगे बढ़े हम लोग 11 में, देखते हैं क्या कह रहा है 111। किसी राज्य की वह न्यूनतम जनसंख्या कितना, न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। तो मेरे भाई आपको बता दें 73वां संविधान संशोधन 1992 जो था वो मध्यवर्ती पंचायतों के लिए गठन के लिए था। तो कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है मेरे भाई, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ यह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं होता है। जैसे मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, और मतलब इन ये जो मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, इन सब जगहों पर यहाँ एक और कोई है वहाँ पर, तो यहाँ पर ये मध्यवर्ती पंचायत आवश्यक नहीं है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, ये 20 लाख से कम पर होता है। आगे बढ़ें 112 में, देखते हैं क्या है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो साथियों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो साथियों पहले क्या होता था कि जो इंदिरा गांधी, जो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में जो इमरजेंसी लगी थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगी थी, यानी अपने देश के अंदर अशांति फैली हुई है उसके लिए इमरजेंसी लगी। लेकिन फिर इंदिरा गांधी उसके बाद जस्ट चुनाव हारी, जनता पार्टी सरकार में आई, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको ख़त्म कर दी, तो आंतरिक अशांति के आधार पर अब नहीं लगता है। तो इस समय जो है अगर इमरजेंसी जो आपातकाल लगेगा तो युद्ध के स्तर रहेगा तब लगेगा, तो कोई बाहरी आक्रमण होगा तब, या तो सशस्त्र विद्रोह होगा तब, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही उत्तर होगा। आगे बढ़ जाएं हम लोग 12 में देख लें, 12 हो गया ना, 13 में देखते हैं, 13 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा सही है, दो ठो कथन है, उन्हीं कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है यदि 10वीं अनुसूची के तहत, हमें पता है 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो दल बदलते हैं इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी में, तो उन्हों को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची लाई गई थी। तो 10वीं अनुसूची के तहत निर्हरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला उठे तो विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करता है। यस मेरे भाई, यदि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला उठता है तो विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करता है, तब जाके वो डिस्क्वालिफिकेशन उसका होता है। तो फिर पहले क्या था, 1952 के पहले अगर विधानसभा अध्यक्ष उसको डिस्क्वालिफाइड कर देते थे तो वो उसको जो है कोर्ट में नहीं ले जाया जाता, उन कोर्ट में वो मामला नहीं जाता था, यानी उसका जो है न्यायिक समीक्षा नहीं होता था। लेकिन 1992 के बाद से इसकी न्यायिक समीक्षा होने लगी, किसी व्यक्ति को लगता है हमारे साथ गलत हुआ है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो दूसरा कह रहा है कि उसका फैसला अंतिम होगा जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। मेरे भाई की जा सकती, मैंने बताया ना 1992 के बाद से उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जिसकी जिस व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। तो इसका मतलब ये दो वाला गलत है, एक सही है केवल, ये गलत, ये केवल ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको समय ले लेता हूँ चीज़ों को समझाने के लिए, जिससे कि आपको चीज़ें ठीक से क्लियर हो जाए इसका। 114 में क्या है, संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा भाग
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो मेरे भाई आपको पता होगा हमारे संविधान का जो भाग चार है, भाग चार DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। यही जो 51वां अनुच्छेद है DPSP का, इसी में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का हवाला दिया गया है इसमें। तो ये DPSP नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। आगे बढ़ जाएं हम लोग 115 में, लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, या दोनों होते हैं, क्या होते हैं? तो मेरे भाई लोकसभा में कोई विधेयक पेंडिंग में है और लोकसभा का विघटन हो गया तो सारे जो है वो लंबित विधेयक होते हैं वो सब रद्द हो जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा से पास हुआ हो या फिर चाहे लोकसभा में पेश किया गया हो, सभी रद्द हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सभी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई राज्यसभा में पेश किया गया हो तो वो समाप्त नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। स्वाभाविक सी बात है, सरकार गिर गई तो विधेयक भी जाना चाहिए, विधेयक क्यों रहेगा, दूसरी सरकार आएगी तब। आगे देखें हम लोग 16 में, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम चेंज करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया? तो साथियों आपको बता दें 2006 में एक स्कीम लेकर आई कांग्रेस पार्टी, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इसे नरेगा बोला गया। तो नरेगा में क्या होता था कि मजदूरों को जो है वो एक निश्चित मजदूरी दी जाती थी जो गांव में होते थे, रूरल एरिया पर था, तो इसमें नाम भी है रूरल गांव। तो 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसमें जो है ये यम जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी, सो मनरेगा हो गया। तो 2009 में नरेगा को मनरेगा कर दिया गया, यानी यम फॉर महात्मा गांधी। 116 सी हो गया हमारा उत्तर। आगे देखें 117 में क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता कम करने समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया। तो मेरे भाई ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया था। क्या था प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कि किसान जो अपने सिंचाई करने के लिए पंप सेट यूज करते हैं डीजल पंप सेट, तो डीजल पंप सेट को शिफ्ट करने के लिए आया था कि वो लोग अब सौर पंप सेट यूज करें जो सोलर से चलता हो, तो उसी के लिए आया था ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 में। 18 हम लोग देख लेते हैं, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो मेरे भाई 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें हम लोग 19 में, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने? तो मेरे भाई यही अपने नीलम संजीव रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के थे, तो ये जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, फिर 1977 में ये लोकसभा अध्यक्ष से इस्तीफा देकर निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए, इकलौते निर्विरोध राष्ट्रीय चुनने वाले ये राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो जो लोकसभा अध्यक्ष थे वहाँ से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति डायरेक्ट बने, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ जाएं हम लोग, और इनके बारे में तो जानते हैं, ज्ञानी जैल सिंह, पॉकेट बीटो वाला इन्हीं के आया था। आगे देखें हम लोग 120 में, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया जो होती है मेरे भाई उसे क्यूरिंग कहलाता है। उसे सुखा कर अपनी इच्छा अनुसार उसको स्वाद बनाया जाता है, उसमें सुगंध अपनी इच्छा अनुसार स्वाद और सुगंध इन सब में उसे बदला जाता है, तो उसे तंबाकू पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाती है। आगे बढ़े हम लोग, देखें बढ़िया प्रश्न है 21 वाले में, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
जनगणना 2011 का बारे में पूछ रहा है, दो ठो कथन देकर कौन सा सही है। तो भारत में शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष में 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है। तो यस मेरे भाई, 2001 में जो शिशु लिंगानुपात था मेरे भाई, वो जो है 827 था। कितना? 827, सॉरी, वो 827 था। यानी 1000 बच्चों पर जो है, ये मेल बच्चों पर जो है, और 827 फीमेल बच्चे थे। तो ये हुआ, लेकिन यही 2011 वाले जनगणना में यही 827 जो था, यही 819 हो गया, यानी 8 अंक नीचे खिसक गया। तो ये बात सही कह रहा है 121 वाला ये। तो और अगला क्या कह रहा है, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है। यस, दोनों बात सही है। नागालैंड में मेरे भाई सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, और हरियाणा जो है वहाँ सबसे कम है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं 21 वाले में हमारे, ऑप्शन नंबर सी। आगे चल रहे हम लोग 22 में देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर यानी TFR को घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मेरे भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत जो है ये प्रजनन दर जो है उसको घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, 22 का बी। आगे बढ़े हम लोग, देखें ये मैचिंग वाला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न होते हैं मैचिंग का, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसे। देखो क्या कह रहा है, एक तरफ संस्था या योजनाएं दी हैं और दूसरी तरफ उसका वर्ष दिया गया, इसी को हमें मिलाना है। तो मेरे भाई नाबार्ड जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर हो उसी को हम पहले मिला दें। नाबार्ड 82 में आया था, इसको हम मिला दिए, यानी बी हमारा 2 पर रहना चाहिए। तो देख रहे हैं सब में बी यही है, तो हमारा काम नहीं बना इससे। अब हम अगला देखते हैं, नाफेड देखते हैं। नाफेड 1958 में आया था, 1958 में नाफेड आया था, यानी ए वाला 4 पे जाएगा। तो ए 4 पे कहाँ है, यहाँ डी में है, तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर होगा, डी वाला। तो यही डी, तो यहाँ पर हमारी पेन नहीं चल रही है डी के पास, नीचे एकदम है, तो आप लोग समझ जाइएगा। और उसके बाद मैं अगर अब आपको थोड़ा सा और मिला दूँ तो सी वाला 1 पर चला आएगा, ये लीड बैंक 1969, और जो ट्राइफेड एक बचा है 87 में आ जाएगा। आप लोग समझ जाइएगा। अब 23 हो गया, 24 हम देख लेते हैं। अधिप्राप्ति मूल, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, बहुत बार ये पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में घुमा फिराकर। अधिप्राप्ति मूल्य या जिसे वसूली मूल्य भी कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP की बात कर रहा है। MSP क्या होता है, सॉरी मैंने MSP गलत लिख दिया, MSP न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो होता है MSP, ये किसान जब फसल बोता है तो उसके पहले सरकार घोषणा करती है कि आप फसल बोएंगे उसको हम इतने में, कम से कम इतने में खरीदेंगे, उससे कम नहीं खरीदेंगे। तो फसल बोने के पहले सरकार जो मूल्य की घोषणा करती है वो MSP उसे कहा जाता है। और जब आपकी फसल हो जाती है उसके बाद सरकार खरीदती है तो उसे जो है अधिप्राप्ति मूल्य कहा जाता है। तो ये अंतर समझिएगा। तो अधिप्राप्ति जो मूल्य होता है मेरे भाई ना, वो MSP से कम नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने आपको वादा किया है इससे कम हम नहीं खरीदेंगे। और जब सरकार खरीदने लगी तो स्वाभाविक बात है MSP से नीचे नहीं खरीदेगी, MSP पर खरीद सकती है या MSP से ऊपर। तो यहाँ पर लिखा है MSP के बराबर हो सकता है या MSP से अधिक हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। तो याद रखिएगा अधिप्राप्ति मूल्य और MSP में अंतर। 25वां देख लेते हैं हम लोग क्या है, बढ़िया प्रश्न है ये भी, कई एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये। तो पंचवर्षीय योजना है और मॉडल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस थी उसको हमें यहाँ पर मिलाना है। तो सबको मालूम है प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराडोमल मॉडल पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोबिस मॉडल पर, पांचवी जो थी वो DP धर मॉडल पर, और आठवीं जॉन W मूलर मॉडल पर। तो अब हम लोग देखें हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है इसमें। पहला 2 पर जाएगा,
दूसरा एक पर जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सी बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, डी तीन पर हो गया। तो ये हो गया। तो साथियों यहाँ हमने जो जीएस का शुद्ध शुद्ध रूप से हमारा था 100 हमने पहले पार्ट में देखा था और यहाँ पर 25 ये देख लिया। इसके बाद हमारा इसमें 25 जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन बच रहे हैं और ये करंट अफेयर को तो हम लोग बाद में देखेंगे एक तरफा में, क्योंकि इसमें हम लोग नहीं देखते, उसका हम लोग एक अलग सेट बनाएंगे और नया करंट अफेयर देखते हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से। तो इसमें कुछ पीछे का करंट हो गया है जो पहला डेट आई थी UPPCS उसके हिसाब का है, तो ये आपको उतना काम नहीं करेगा। तो हम इसके लिए एक अलग से तैयार करेंगे अच्छे से करंट अफेयर, तो वो हम देख लेंगे। हालांकि हम GS हमारे जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं वो मैं आप सबको आपके सामने एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ रखूं, जिससे चीज़ें आपको कंसेप्ट में क्लियर हो जाए, सारी फैक्ट याद हो जाए। तो चलते हैं हम लोग साथियों अगले टेस्ट सीरीज में, हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।